तैयार हो गई हूँ मैं और मैं कुछ इस तरीके की लग रही हूँ। आई एम जस्ट लविंग दिस कलर, आई एम लविंग दिस। अरे गुड मॉर्निंग नेपाल, 8:15 हो रहे और उठ गई हूँ मैं। मामा भी उठ गई है। मामा उठ गई। आप सबको पता है कि नेपाल के एक यूट्यूबर, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था, अब शादी का मैं आप, बट यहाँ पे आपको बड़ी खबर देते हुए जा रहा हूँ कि अलीजा जमाली ने अपना फेस रिवील कर दिया है और वो इस टाइम पे नेपाल में आयुष के साथ है और वो काफी इंजॉय कर रही है। इनका एक व्लॉग हमारे पास आया है, व्लॉग को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को करते शुरू और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिए। तैयार हो गई हूँ मैं और मैं कुछ इस तरीके की। गुड मॉर्निंग नेपाल, 8:15 हो रहे और उठ गई हूँ मैं। मामा भी उठ गई है। मामा उठ गई। ओके, सच्ची? हाँ, अल्लाह खैर। आज लेनी पड़ेगी दवा मामा। सो गाइस, आई फ्रेशन अप एंड आई कंटिन्यू द व्लॉग। ओके, आवाज यार देखो कैसी हो रही है यार, कसम से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैंने इंट्रो तो पहले कर दिया था लेकिन चलो, मुझे रात में बुखार हो रहा था, मामा बता रही थी और अभी मेरी देखा, पता नहीं क्या हो गया मेरी आवाज़ को, अजीब सी हो गई है और गले रात भर में खांसती रही हूँ। मैंने आयुष से बोला है कि आप मुझे जो है ना आप मेडिसिन ले आए। अब मेरा बस हो गया खांस खांस के मुझे इस होटल से ना निकाल दें ये लोग कि भाई तू जा यहाँ से, क्या है तू। तो यप, और बाहर का मैं आप लोगों को अभी नज़ारा दिखाती हूँ। हम लोग अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर 8-9 बज रहे हैं। सो आयुष भी उठ गया है, वो अपने घर पर है, वो सारी चीज़ें देख रहा है बिकॉज हम दो दिन में जजर कोर्ट वगैरह के लिए निकलेंगे। सो यू नो तैयारियाँ जा रही हैं, आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ सुबह। वो दिस इज द व्यू और ठंड हो रही है भाई। मैंने जो है ये रेड वाली जो मेरी वो स्वेट शर्ट थी वो पहनी हुई है, स्वेट शर्ट बोलते स्वेटर बोलते पता नहीं जो भी था। सो यप, हमें अभी टुक टुकी आ रही लेने के लिए। और गाइस ये देखो यूए का झंडा, आई थिंक ये घर शायद यूए के किसी एम्बेसी वाले बंदे का होगा शायद, तभी लगाया हुआ है। सो चलो लेट्स गो। मेरा बैग किधर है यार, बैग ले लेते। यू ऑल रिमेम्बर दिस चम्मा, ये चम्मा याद है ना, अभी इसको मैं इधर ऊपर लगाती हूँ, जब अभी नीचे जाऊँगी तो अच्छे से लगा लूँगी। ये हो गया मेरा बैग। मैं लूँ, शुड आई कैरी माई बैग मॉम? गाइस लुक, मॉम इतनी प्यारी लग रही है यार, ओए ओए सबसे मस्त। ले लेती हूँ बैग, और डू यू थिंक नहीं लेना चाहिए? ले लो, चलो जल्दी आ जाओ। बैग ले लेती हूँ ना यार, मुझे हाँ पड़ जाती है ना ज़रूरत, कभी ये कभी वो। मेरे बड़े नखरे हैं यार, मेरे बड़े नखरे। मुझे मेरी परफ्यूम भी नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ है। चलिए नीचे। मास्क लगा लेती हूँ, अब याद होते है ना। मम्मी हम टुक टुकी में है और ये पता नहीं फॉरेन से औरत आई हुई, क्या नाम है इसका, पूछते बीबी कौन है आप? मैं इसके तो देख रही थी, ये कौन आई है? बीबी कौन हो? बीबी आप गई इतनी खूबसूरत, कौन हो आप? गाइस कसम से मेरी माँ तो अल्लाह ताला आपने हमें मेरी माँ जैसे क्यों नहीं बनाया, इतना प्यारा इस उम्र में आप इतनी हसीन हो तो फिर तो कयामत हो, तभी तो पापा पागल है। Just look at your beauty. Oh my God. Oh my God. कटाती रहती है, कोई काम है क्या? ये रहा जहाँ पर वो है, ब्रेकफास्ट है और काफी
मस्त है ब्रेकफास्ट, मुझे अच्छा लगा। रिमेम्बर जब मैं जॉर्डन गई थी तो मुझे इतना खास लगा था, बट यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये देखो बच्ची को, इसमें लिटरली नेपाल आके भी, मैं कौन सा नेपाल आकर भी, यार भाई क्या हो गया, मतलब मैं दिल्ली में हूँ, दूध पी वगैरह नहीं रह सकती मैं। तो मेरे लिए लेकर आई है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। सो गाइज, हम लोगों ने पेट पूजा कर ली है और अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह क्लिक करेंगे, अंदर हम अपने रूम में दोबारा चले जाएंगे। और ये देखो इनकी पिक्चर्स, इसमें की पिक्चर्स ही नहीं खत्म होती हैं आज। आई एम अ मॉडल पागल। सौदरम के लिए अपनी जान तो झोंके में डालेगी। तो गाइस हम लोग इधर मतलब दो बार आए और ये वाली जगह जो है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे फिशेस ही मुझे पता भी नहीं था। हाँ मैं दिखाती हूँ, देखो देखो कितनी क्यूट है यार। और मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रॉग भी होगा, क्योंकि वो जिस फ्रॉग की होती है ना मम्मी, आई फील लाइक सब। तो मैं और इस बार टिकटॉक बना रही थी और मैंने तो इस बार मुंह देखो टिकटॉक में हमेशा मजाक कर रही थी, मैंने इसको इतना तंग किया, इस बेचारी ने 20 टेक्स लिए। यार झूठ बोलने की हद होती है, 40 टेक लिए मैंने। योटा घर में अपना घर खुद ही खड़ा कर रही है। देखो अभी मुझे थोड़ी सी वो चाहिए ना, प्रैक्टिस। नहीं पता ना मुझे कि कैसे होते हैं ये लश्कारे। इधर से ला के फेंकूंगी सर पे। चलो चलो अभी इनका एक और बनानी है, पता नहीं कि क्या था। पागल औरत। What is wrong with you, यार? हम लोग आ गए अपने रूम में। अब मैं सोच रही हूँ दैट आई विल टेक शावर बिकॉज़ आयुष के साथ रह रही हूँ, मैं आयुष के साथ जैसी हो गई हूँ। तो लेट्स सी, मेरी तबीयत खराब है यार, अभी भी रिस्क है। लेट्स सी, देखते हैं मम्मा से मशवरा करते हैं। मॉम थी आयो। ये कौन आया भाई? कौन आया? परफेक्ट है भाई, दिखाओ। आयुष बाल कट के आ गए यार, हीरो लग रहे हैं। अब मैं तुमसे यंग लग रहा हूँ, कल मतलब बुड्ढा लग रहा था। इतनी वो लग रही हूँ मैं कि जैसे कि मैं बहुत ही छोटी सी हूँ। अरे छोटी सी तो है, छोटी सी है। आप खूबसूरत है मानता हूँ, ठीक है, अच्छी सी मानता हूँ, बहुत अच्छी मानता हूँ, पर हाइट से मुझे कमी है। जो भी हो मैं जीतूंगा, बहुत ऊपर से मुझे भी खड़े हो गए। देखे चलो ठीक है, अब मैं वो जगड़ लेने जाने, मुझे दवा भी मैं ले आएंगे। और वो दीदी तुम्हारी वो हमें सब कपड़े के लिए एंगेजमेंट के एनिवर्सरी के लिए कपड़े के लिए आ रहे, तो तब शायद मैं तब तक आ जाऊँगा, तो तब करेंगे। सही है, ओके चलो। ओके गाइस, अभी मैं आया था इधर सामान थोड़ी देने, एंड मैं अभी इधर से जा रहा हूँ हमारे खुद की उधर डोनेशन के सामान लेने। ओके तुम रेस्ट करो, क्योंकि आपकी एक दिन के बाद रेस्ट नहीं मिलेगी कुछ भी। चलो गाइस लुक, मैं जब आई हूँ ना तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे जो है ना इधर ये हो गया है अजीब सा, ये लाल हो गया सारा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्या कर सकते हैं, शायद किसी चीज से मुझे एलर्जी हुई है, आई हैव नो आइडिया। तबीयत खराब हुई भी है, अभी थोड़ी देर बाद मैं रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी। अभी आयुष गया है बाहर, सो लेट्स सी कब आते हैं। तैयार हो गई हूँ मैं, और मैं कुछ इस तरीके की लग रही हूँ। आई एम जस्ट लविंग दिस कलर, आई एम लविंग दिस कलर सो मच। प्लीज मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू यू नो मेक माई सेल्फ बिजी, तो मैं जो है बीमार ना पड़ूं, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ नहीं, और फिर मैं बहुत ज्यादा जो है इन लोगों को परेशान करने वाली हूँ। तो यार ये कुछ इस तरीके से लग रही है मेरी साड़ी हो। तो ये आयुष लेकर आया था,
इट वॉज माई तीज के गिफ्ट, उनमें मैंने सारी साड़ियां बनवाई है. सो अलीजे साड़ी में आप लोग बहुत देखने वाले हो. सो यस, अभी मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आयुष का वेट करूंगी, फिर हम लाइव जाएंगे. इस मैंने अभी बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स एंड वीडियोस लिए, तो देखो अभी ऐसा हो रहा है ना. तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों लिया था. यू ऑल रिमेम्बर, सॉरी आप लोगों की आंखों पे लग रही होगी ना, सॉरी. मतलब देखो जस्ट कितना अच्छा हुआ ना मैंने ले लिया. ओके सो गाइस, आयुष आ गए थे और मुझे बताओ आयुष कैसे लग रही है. नहीं पहनो लाइव में, तुम भी नहीं दूं, मैं पूछ रही हूं लाइव में. नहीं यार ओके, बड़े सारे इसलिए सही. ठीक है तो अभी हम खाना खाएंगे. आयुष हमारे लिए बिरयानी, कौन सी बिरयानी है? टिक्का का. कौन सी बिरयानी है? टिक्का बिरयानी. टिक्का बिरयानी और मलाई बूटी लेकर आया है, तभी हम वो खाएंगे. मेरी फरारी की चश्मा लगा दो यार, आज मैं तो बेकार में ले गया मैंने. हाँ सही है भैया, मुझे भी दो. ये लो. ओके चलो आप. हाँ ओके, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ गाइस, आई बी बैक. गाइस अभी माइजू, मैं, मामा और मम्मी जो है वीडियोस देंगे, वीडियो पिक्चर्स देंगे टिकटॉक के लिए. ओह माय गॉड, माइजू हाय बोल दे. मम्मी भी है, तो अभी हम साथ वीडियोस बनाएंगे सब, एंड देन जाएंगे घर पर, लाइफ वगैरह करेंगे. देखते हैं, आज हमारा बारबेक्यू का भी प्लान है. लाइट इज ऑसम वाला. यही उम्र चलो, क्योंकि उम्र चले ना जो पढ़ा. एक प्रिंट में अभिषेक हटना, एक अभी जो है हम ड्रेस डिसाइड कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी का. तो आयुष को कोई फिक्र ही नहीं है कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं, उसको सिर्फ ये था कि मेरी पैंट ठीक से बना रहा. वाह, और पता है क्या, ये व्हाइट, किसने व्हाइट देखा, ये डाई होगा. ठीक है, मुझे बोलते व्हाइट क्यों. गाइस अभी हम लाइव है, हमने टिकटॉक पे लाइव की थी और अब इंस्टा पर है. उसके बाद हम जाएंगे बारबेक्यू वगैरह करने के लिए. आप अलीजे क्यों नहीं लग रही, बिकॉज आप लोगों ने मेरी इमेज ही अलग अपने दिमाग में बनाई हुई थी. यू गाइस माइट बी थिंकिंग दैट आई एम लाइक, मेरा थोड़ा मोटा फेस होगा बिकॉज माई आई एम हेल्दी. So, maybe, I don't know. हाँ, वो बात भी यार. है ना? मुझे लगता है कि सब ने मतलब expect वही किया था कि मोटी होगी. मोटी, आपने भी तो ये कहा था. When he saw me first time, he was like, no way. Guys, अभी हम आयुष के घर के टेरेस पर आए हैं बारबेक्यू करने के लिए और लाइफ वाइफ हमने खत्म कर दी थी अच्छे से और मम्मी वो नहीं पीछे मामा और सब है, एवरीबडी इज हियर. और ये देखो आयुष ले चले जैम को दुबई. कसम से ये बहुत संस्कारी. तुम ये देखिए, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, ये अलीजा जवानी और आयुष का व्लॉग था. आई थिंक शादी कर चुके हैं, जहां तक इनकी जो बातें चल रही है, जिस तरीके से ये लोग का काम एक दूसरे से मिल रहे हैं और रिसेंटली इन्होंने फेस रिवील भी किया, तो हम इसको चीज को मान सकते हैं कि यार शादी के बाद इन्होंने अपना फेस रिवील किया है. अलीजा जवानी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इस टाइम पे नेपाल में है, बट उससे पहले वो दुबई के अंदर रहती थी और आई थिंक ये एक बलोच कम्युनिटी की लड़की है, जहां तक इसकी शक्ल से या अंदाजे से लग रहा है एक बलोच कम्युनिटी की लड़की. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये व्लॉग्स बनाती थी काफी टाइम से, ये टिकटॉक पे ये लोग वीडियोस बनाते थे. टिकटॉक से मशहूर होने के बाद यूट्यूब की तरफ आते, जितने भी टिकटॉकर होते हैं वो स्टार्टिंग में जो है वो टिकटॉक के ऊपर काम करते, फिर देन वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो फिर यूट्यूब के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है और फिर यूट्यूब के अंदर ही काम करते हैं. तो इसी तरीके से इन्होंने भी किया, फिर एक दूसरे से मुलाकात हुई है. देन फिर अलीजा लास्ट 5-6 महीने पहले भी हमने देखा था, आपके साथ शेयर भी किया था कि वो नेपाल आई थी, उन्होंने विजिट किया. इसी तरीके से वो आती है और फिर विजिट करती है, देन उनकी शायद पूरी फैमिली आई थी. अभी इनकी जो देखा जाए तो काफी एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ और नेपाल में. तो ये व्लॉग था, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें.